always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे. और आज हम CBSE क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर देखेंगे, डिटरमिनेंट्स. ये हमारा चैप्टर नंबर 4 और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5. ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं. इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये एक्सरसाइज किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपकी एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड. इससे पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी वो थी माइनर्स एंड कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड. तो जो हर एक एक्सरसाइज होती है ये एक दूसरे से लिंक होती है. जैसे कि ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट हमारे एक्सरसाइज 4.4 से भी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है. ठीक है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन इंटू एन. यहाँ पे n इंटू एन क्यों लिखा है? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एडजॉइंट होता है वो किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है. ठीक है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन इंटू एन. तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो रो होती हैं और जो हमारे कॉलम होते हैं आपको इनको एक्सचेंज कर देना होता है. यानी कि जो रो है आपको उनको कॉलम बनाना है और जो कॉलम है आपको उनको रो में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज. सो हमारा एडजॉइंट क्या होता है? इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे एन इन टू एन ऑर्डर हो गया, वेयर कैपिटल ए आई जे इज द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे. तो आपको करना क्या है कि ये जो आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा आपको क्या करना है, इसके को फैक्टर फाइंड करनी है. और उसके बाद जब आप को फैक्टर्स फाइंड कर लोगे, इसका जो ट्रांसपोज होगा, ये जो एक नया हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसका मतलब आपने क्या करना है, हर एक एलिमेंट का क्या लिखा होगा आपने वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर लिखा होगा, आपको क्या करना है, वो जो नया आपके पास कोफैक्टर वाला एक मैट्रिक्स आया आपको उसका ट्रांसपोज कर देना है. और जो ट्रांसपोज करने के बाद जो एक नया आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो कहलाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, जिसे आप डिनोट करोगे इस तरीके से, कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए. ये क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया एडजॉइंट का. और ये कैपिटल ए का मतलब क्या है? मैट्रिक्स क्या था? ए था. ठीक है, तो समझ आ गई बात. करना क्या है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका कोफैक्टर फाइंड करोगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दोगे और उसके बाद आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट चाहिए हमारा एक्सरसाइज 4.4 का? ये चाहिए कि जो कोफैक्टर होते हैं आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको माइनर पता हो. ठीक है, तो कोफैक्टर भी जो कंसेप्ट है हमारा पिछली वाले एक्सरसाइज का है, तो वहीं से हमारा माइनर भी आता है कि पहले माइनर फाइंड करना है फिर कोफैक्टर फाइंड करना है. कोफैक्टर आ जाएगा उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देना है. ठीक है, तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड एडजॉइंट ए फॉर दिस. ठीक है, ये आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है. सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. इसका ऑर्डर है 2 into 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो रो हैं और दो क्या है, कॉलम है. यानी कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब आपने क्या करना है, इसका फाइंड करना है एडजॉइंट. ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं. ये आपको मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है, आपकी बुक का एग्जांपल है. तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है ये आपका 2, 3, 1 और 4 आपको गिवन है. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करना है. तो सबसे पहले देखो इसको कंपेयर कर लेते हैं. ये है A11, A12, A21 और A22, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब आपने करना क्या है कि हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना पड़ेगा. तो माइनर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. तो माइनर ऑफ 11 कितना हो जाएगा? आपने क्या करना है, इसका अपोजिट देख देना है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप सीधा इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वरना ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उसको कैंसिल कर दो, बचा क्या? 4 बचा. ठीक है, उसी तरह माइनर ऑफ हमारा क्या आएगा, 1, 2 क्या आएगा, इसका अपोजिट लिख दो, 1 आएगा. फिर माइनर ऑफ 2, 1 क्या आएगा, इसका अपोजिट यानी कि 3. फिर माइनर ऑफ 2, 2 क्या आएगा, 4 का अपोजिट यानी कि 2. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रो को आपको कैंसिल करना है और जिस कॉलम के अंदर हमारे पास एलिमेंट है उसको कैंसिल करना है. फिर जो एलिमेंट बचेगा उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारा माइनर होता है. ठीक है, अब माइनर आ गया, अब कोफैक्टर फाइंड करना है. कोफैक्टर कैसे फाइंड करते थे? -1 की पावर i + j इनटू में आपके पास एम आई जे, ये हमारा कोफैक्टर ऐसे हम फाइंड करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे 1, 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, देखो
कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे कैपिटल डिनोट करें एलिमेंट्स को, यानी कि उनका कोफैक्टर फाइंड करें, तो हमारे पास कोफैक्टर ऑफ 1 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 × m11। अभी कितना आएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि 1 1 × में ये करेंगे तो 4 आएगा, है ना। यानी आपके पास a11 कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह आपको बाकी फाइंड करने करते हैं, तो इसी तरह आप फाइंड करोगे तो a12 यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, यानी -1 × 1 यानी कि -1। उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये हो जाएगा 1 2 है यानी कि -1 की पावर क्यूब, तो ये -1 रहेगा, और यहाँ पे क्या है, 1 है यानी कि -1 × 1 हो जाएगा -1। और उसके बाद यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, तो 2 1 के लिए 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी इसकी पावर 3 यानी -1 रहेगा, और इंटू में 3 यानी कि -3। उसके बाद a22 कितना आएगा, a22 यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है यानी कि -1 की पावर इवन है, तो ये -1 + 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें करना है m22 मल्टीप्लाई यानी कि 2 आएगा। देखो अभी आपके पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं आप इनको इनके फॉर्म में ऐसे लिख दो, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एलिमेंट कितना है, 4 है, फिर -1 है, -3 है, और उसके बाद 2 है। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास कोफैक्टर्स की टर्म में आए हैं। अभी ये आपके पास एडजॉइंट नहीं आया है। एडजॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सीधा ए चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एडजॉइंट नहीं फाइंड हुआ है। जब तक एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज नहीं करोगे ये वाला सिंबल मत लिखना, ठीक है। तब आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, यानी आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ये जो पहला कॉलम है इसको पहली रो बना देना है, यानी कि 4 - 3 हमारे पहली रो बन गई। उसके बाद ये जो आपके पास सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो बना दो, -1 और 2, या फिर आप कह सकते हो अपने पहले वाले जो हमारी रो है उसको पहला कॉलम बना दिया और सेकेंड रो को हमारा सेकेंड कॉलम बना दिया, ठीक है। और आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये क्या हो गया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एक शॉर्टकट होता है, अब वो शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो क्या होता है हमारा शॉर्टकट, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आपकी बुक के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। जैसे मान लीजिए आपको 2 3 1 और 4 गिवन था, ठीक है, ये क्या है, 2 × 2 ऑर्डर के लिए। तो ये जो शॉर्टकट होता है ये सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर के लिए ही होता है, आप इसको 3 × 3 ऑर्डर में नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इनका कहना ये है, ये शॉर्टकट का कहना ये है कि अगर आपको सिंपली विदाउट कैलकुलेशंस एडजॉइंट फाइंड करना है तो हम कैसे करें, आपने क्या करना है, डायगनल्स को बना लो पेयर। ये क्या हो गया, आपके डायगनल्स हो गए, हो गए डायगनल्स। अब आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाले जो हैं आपको क्या करना है, इनको चेंज कर देना है। आपको इनका क्या करना है, इनको चेंज कर देना है, इनका साइन चेंज साइन, और इनको आपको कर देना है इंटरचेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके आपस में साइन चेंज बदलने, यानी कि साइन चेंज करने, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट्स यही रहेंगे, बस पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इनको आपस में इंटरचेंज करना है, यानी ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो होगा क्या, करके देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, इनको इंटरचेंज करें तो 4 इसकी जगह आ जाएगा, और जो 2 है ये इसकी जगह चला जाएगा, है ना। अब इनके हमें करने हैं साइन चेंज, यानी कि -1 और 3 का भी हमें करना है, तो ये हो जाएगा -3। अब दोनों को कंपेयर करो, 4 - 3, 4 - 3, -1 और 2, तो ये तो भाई सही है। यानी कि हमें क्या करना है कि अगर आपको 2 × 2 ऑर्डर गिवन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन 1 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो जो 1 मार्क्स होते हैं उसके अंदर तो आपको ऑप्शन के मार्क्स मिलते हैं, तो ऑप्शन के मार्क्स के लिए आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि भाई आप पहले माइनर फाइंड करो, फिर कोफैक्टर करो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, नहीं। आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, डायगनल्स के इस तरीके से पेयर बना लो, और अगर याद नहीं होता कि किस चीज़ का साइन चेंज करना है और किसको इंटरचेंज करना है, तो सिंपल सी बात है, अल्फाबेट के अंदर सी पहले आते हैं और उसके बाद आई आता है, बाद में आता है ना आई। तो आपको क्या करना है, पहले सी आते हैं तो पहले क्या करोगे, ये वाले के लिए चेंज करोगे साइन, और ये वाले के लिए क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आप तरीका अपना सकते हो, जैसे आपको मान लो 2 या 3 मार्क्स का भी आपका क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए इसको चेक कर सकते हो, अगर आपका गलत आंसर आ रहा है तो, या फिर अगर आपको डाउट है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्रॉस चेक करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये तो भी हमारा शॉर्टकट हो गया, यहाँ तक हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है ए हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर आपको माइनर फाइंड करना है, स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इनका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए या फिर कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं,
ये हैं भाई आपके स्टेप्स जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, और एक दो थ्योरम्स भी हैं वो भी हमें समझनी है क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो थ्योरम है उनके प्रूफ कभी भी नहीं आते लेकिन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो समझते हैं नेक्स्ट पेज पे बचा हुआ बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैंने हमारी चार थ्योरम है, चारों थ्योरम्स को लिख दिया है, इनको समझ लेते हैं। तो हमारी थ्योरम नंबर वन है, इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी एक ए मैट्रिक्स है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एन है, उस समय क्या होगा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों को अगर आप आपस में सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएंगे, मॉड ऑफ ए इंटू में आई, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल आएंगे। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका जो हमारा ऑर्डर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये डिपेंड करता है ए के ऊपर। तो ए क्या है, एन ऑर्डर का, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का है, एन का है। ठीक है, तो मतलब कि जिस समय आपको इस तरीके का क्वेश्चन हो कि आपको इस तरीके से गिवन है, आप सिंपली लिख सकते हैं ये किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल आएगा। तो ये जितनी भी थ्योरम आपके इस चैप्टर के अंदर गिवन है, ये जब भी मतलब हम एक्सरसाइज 4.5 के लिए जितनी भी थ्योरम्स पढ़ रहे हैं वो विदाउट प्रूफ हैं। ठीक है, इनमें कोई आपको प्रूफ मेंशन करके नहीं गिवन है, तो आपको इसकी कोई प्रूफ की मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई ऐसा नहीं है कि याद करके जाना है प्रूफ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस ये थ्योरम्स इसलिए क्योंकि ये कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर यूज होती हैं, जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इस वजह से ये थ्योरम्स विदाउट प्रूफ आपको गिवन है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जिस समय ये आपको गिवन होगा, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए इंटू में आई के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमारी थ्योरम नंबर सेकेंड क्या है इसको भी समझते हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैं आगे फिर बताऊंगी आपको। मतलब ए और बी एक ऐसे मैट्रिक्स हैं जो नॉन सिंगुलर है, यानी कि जिनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर ए का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो बी का ऑर्डर भी क्या है, 3 इंटू में 3 है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए इंटू में बी एंड बी इंटू में ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ये दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, चाहे ए बी करके मल्टीप्लाई करो या चाहे बी ए करके करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, नॉन सिंगुलर ही रहेंगे। और जो इनका ऑर्डर था, जैसे कि दोनों का ऑर्डर 3 इंटू 3 था, तो इनका भी ऑर्डर क्या होगा, 3 इंटू 3 ही होगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम नंबर सेकंड है। अब थ्योरम नंबर थ्री क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू में बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, देखो आपने क्या करना है, अगर आप क्या करते हो, दो मैट्रिसेस का आपने प्रोडक्ट किया और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसके बाद उसका मॉड फाइंड किया, तो ये क्या होता है, ये इनके रिस्पेक्टिव जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल ए का डिटर्मिनेंट इंटू में इंडिविजुअल बी का डिटर्मिनेंट, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी लिख सकते हो। ये क्या होते हैं, ये प्रोडक्ट जो इनका होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, जहाँ पे ए और बी क्या होने चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो बेसिकली अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिटरमाइन की हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, ये सारी की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। हमने ये भी देखा था डिटर्मिनेंट हम उसी का फाइंड कर सकते हैं जो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो अब थ्योरम नंबर फोर देखते हैं। हमारी थ्योरम नंबर फोर है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिस समय ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि मॉड ऑफ ए जो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब जीरो के इक्वल नहीं होगी, उसी समय आप ए इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा, यहाँ पे थ्योरम सारी कंप्लीट होती हैं। तो इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए, और हमने देखा कि थ्योरम कौन कौन सी चार हमारे पास है। अब आपको ये देखना बच गया कि यहाँ पे आपका सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और आपको ए इन्वर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, अगर आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर आपकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी वो जीरो के बराबर नहीं है, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अच्छा जी, तो समझ आ गया सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, कहा है कि भाई यहाँ पे आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहला आपका ये स्टेप होगा, आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने थ्योरम नंबर फोर के अंदर पढ़ा कि हम तभी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो।
तो सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जब वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा तब आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयर फोर हेयर वी कैन फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। उसके बाद ही आप उसको फाइंड कर सकते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। और देखो अगर आपको क्या गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है और उसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, उसका आपको मॉड फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस में वन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी हम हमारे एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे अगर क्वेश्चन आएंगे तो। फिलहाल आपके पास इसका ना तो कोई प्रूफ है ना कुछ है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूला होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए का, यहाँ पे मोड निकालना है इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए की पावर एन माइनस में वन, ठीक है। और ये तो आपका इनवर्स का फॉर्मूला हो गया कि किस तरीके से आप ए इनवर्स फाइंड करते हैं डिटरमिनेंट के अंदर। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए वन अपॉन में मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो सारा खेल कहीं ना कहीं घूमकर एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर आ गया, और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ साथ क्या चल रहा है, माइनर चल रहे हैं, कोफैक्टर चल रहे हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, फिर जाके एडजॉइंट ऑफ ए आएगा और यहाँ पे हमें मॉड ऑफ ए फाइंड करना है, और उसके बाद जाके हमारा ए इनवर्स आएगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हमें लगातार वही सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तब जाके हमें एक नई चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट पेज पे हमारे एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारी एक्सरसाइज 4.5 लिख दी है। इसका क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। जो एक्सरसाइज है 4.5, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर आपको क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है जो गिवन मैट्रिसेस है उनके लिए, ठीक है जी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो क्या है रो है और दो क्या है कॉलम है। तो भाई ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि एडजॉइंट हम उसी का फाइंड कर सकते हैं जो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे आपने फाइंड करना है एडजॉइंट, तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले आप माइनर फाइंड करोगे, उसके बाद आप कोफैक्टर फाइंड करोगे, उसके बाद जो मैट्रिसेस आएगा कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपको यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि ये ए है, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं सबसे पहले, लेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ए मैट्रिसेस है, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a11 यहाँ पे आ जाएगा, a12 यहाँ पे आ जाएगा, a21 यहाँ पे आ जाएगा, a22। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, यहाँ पे 1, 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज करना पड़ता है, इस वजह से यहाँ पे 1, 2 आना चाहिए था, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद जो पहली रो थी वो हमारी पहली कॉलम बन गई है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो ये आपने यहाँ पे फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या है आपका, कैलकुलेट माइनर्स। सबसे पहले आपको माइनर्स कैलकुलेट करने हैं, तो करते हैं, तो इसको नीचे कर देती हूँ मैं। सबसे पहले हम M11 फाइंड करेंगे, देखो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता रही हूँ कि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो हम इसको विदाउट मतलब कैलकुलेटिंग फाइंड कर सकते हैं। वो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आपको जो अपोजिट वाला इसका एलिमेंट है वो लिख देना है डायगनल के अंदर, जैसे 1, 1 के लिए 1 का अपोजिट क्या है 4 है, फिर M12 कितना आएगा 2 का अपोजिट 3 है, देन M21 कितना आएगा 3 का अपोजिट क्या है जी 2 है, एंड M22 कितना आएगा 4 का अपोजिट 1 है। तो सिंपली हमने लिख दिया, अगर आप इस तरीके से फाइंड नहीं करना चाहते हैं, आप जो एक कैलकुलेटिंग मेथड है आप उसी से इसको फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक का बताती हूँ, जैसे कि आपको M11 फाइंड करना है, तो M11 हमारे ये वाले एलिमेंट के लिए फाइंड होगा, तो ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर आपको इसको कैंसिल करना है, फिर जो वैल्यू बचेगी उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा यहाँ पे माइनर होगा। तो हमने बेसिकली ये फाइंड कर लिया है, अब आपने यहाँ पे कोफैक्टर फाइंड करने हैं, और कोफैक्टर जो होते हैं उनको फाइंड करते हैं कैसे, -1 की पावर i + j, i क्या है नंबर ऑफ रो और प्लस में j क्या है नंबर ऑफ कॉलम, इनटू में mij यानी कि उस पर्टिकुलरली एलिमेंट का माइनर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a11 फाइंड करने हैं, आप सिंपली देख सकते हैं 1 + 1 2 होगा, यानी कि यहाँ पे -1 की पावर क्या होगी इवन होगी, तो -1 बन जाएगा +1, +1 इंटू में 4 हो जाएगा आपके पास 4। फिर M12 कितना आएगा -1 इंटू में 3 यानी कि -3, ठीक है। आप सिंपली देख सकते हैं कि जिस समय ऑड आएगा एडिशन उस समय -1 का -1 रहेगा, जिस समय इवन आएगा एडिशन उस समय वो +1 बन जाएगा। यहाँ पे M of 2 सॉरी यहाँ पे मैंने M लिख दिया ना,
ए आएगा, क्योंकि को फैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं और माइनर को एम से। तो ये ए करना है आपको। यहाँ पे ए यानी कि को फैक्टर ऑफ 2 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 2+1 यानी कि 3। तो -1 की पावर 3 यानी -1 इंटू में 2 यानी -2। एंड आपके पास को फैक्टर ऑफ 2 2 कितना आएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये 4, क्योंकि 2+2 हो गया 4। -1 की पावर 4 यानी +1 इंटू में 1 यानी कि 1। तो आपके ये क्या आ गए, को फैक्टर्स आ गए, और ये क्या आ गया आपके माइनर आ गई। ठीक है, तो माइनर आने के बाद ही हम को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से माइनर फाइंड जो माइनर है उसको फाइंड करना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आया है, ए जो मैट्रिक्स आया है, अब यहाँ पे हमने एडजॉइंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, को फैक्टर्स को लिखेंगे। तो जो कैपिटल ए आया है आपके पास, इसके अंदर आपको को फैक्टर्स लिखने, तो क्या है 4 -3 -2 और 1। ये आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स आया है। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना है ये वाले ए को। ठीक है, क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि जो रो है हम क्या करेंगे, उनको बदल देंगे कॉलम के अंदर, और जो हमारे कॉलम है हम उनको बदल देंगे रो के अंदर। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 4 -3 -2 और यहाँ पे 1। ठीक है, हमने क्या, जो पहली वाली जो रो थी उसको हमने पहला वाला कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को हमने सेकेंड कॉलम बना दिया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब भाई हमें तो डाउट है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हमने उसके लिए एक शॉर्टकट सीखा था। क्या सीखा था, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमने माना 1 2 3 और 4 है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरीके से डायगनल्स के पेयर बना लेना, तो भाई आपने यहाँ पे डायगनल के पेयर बना लिए। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सी आता है अल्फाबेट में, उसके बाद क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको सी फॉर क्या करना है, आपको चेंज साइन करना है, यानी इनके साइन बदल देने, और आई फॉर इंटरचेंज करना है, इनको बदल देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आना चाहिए, यहाँ पे जब इनको इंटरचेंज करोगे तो 1 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, यानी यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, इनके आपको क्या करने, साइन बदल देने, यानी -3, यहाँ 2 था तो +2 था, तो यहाँ -2 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, 4 -2 4 -2 -3 और 1 -3 और 1। तो ये दो अलग अलग मेथड हो गए, दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो आंसर है वो करेक्ट निकाले, तो शॉर्टकट का काम आया ना यहाँ पे, आपने क्या किया, अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लिया। तो ये भाई हमारा एडजॉइंट आ गया है गिवन मैट्रिसेस ए के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख दिया है। अगर अब आप देखते हो तो ये जो आपको मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का है, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, रो है, और 3 क्या है, कॉलम है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब हमने जो एक शॉर्टकट ट्रिक सीखी थी, जो अभी जस्ट हमने अप्लाई की थी अपने आंसर को क्रॉस चेक करने के लिए, वो मैंने आपको बताया था, वो किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ 2 × 2 ऑर्डर के लिए, यानी कि यहाँ पे हम अपना आंसर को क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जब भी आप 3 × 3 ऑर्डर की कैलकुलेशन करोगे, आपको बहुत ही ध्यान से करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा जो हमारे सबसे पहले तो हमारा काम ये होगा कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, लेट मैट्रिसेस ए है ये, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टेप नंबर 1, जिसे हम कहते हैं हमें फाइंड करने हैं माइनस। ठीक है, हर एक एलिमेंट का माइनर यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने माना है मैट्रिसेस ए को, ये क्या आएगा, 1 2 -2 -1 3 और 0, यहाँ पे 2, यहाँ 5 और यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 3 क्या है, इसका ऑर्डर है, यानी कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब इसका हम जो एडजॉइंट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेप नंबर 1। तो जो हमारा स्टेप नंबर 1 ये है, क्या है हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट माइनर्स। यहाँ पे अब हमें क्या करने हैं, जो माइनर्स हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो करते हैं, सबसे पहले देखो इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं a11, a12, a13, उसके बाद यहाँ पे a21, a22, a23, a31, a32 और a33। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ 1 1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले ये लिखते हैं 1 2 -2 -1 3 और 0, 2 5 और 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो 1 है, अब ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम के अंदर उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 5 0 और 1। अब आपने क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो नहीं लगाने हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस में 0 × 5 यानी कि 0। तो हमारा पास m11 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह m यहाँ पे माइनर ऑफ 1 2 फाइंड करते हैं,
तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस 1, 2, 2, 3, 5, माइनस 2, 0 और 1। अब यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट है 1, 2 वो कौन सा है, ये है माइनस 1। अब ये इस वाली रो और इस वाली कॉलम के अंदर इनको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे भाई हमारे पास बचेगा 2, माइनस 2, 5 और 1, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस में माइनस 2 इंटू 5 यानी माइनस 10, ये हो जाएगा 2 प्लस में 10 यानी कि 12। देयरफॉर माइनर ऑफ 1, 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको कैसे करना है? इस तरीके के क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ही लिए हैं, तो ये तो आपको अच्छे से आ ही गए होंगे किस तरीके से माइनर निकालने से। पहली वाली एक्सरसाइज इसी के ऊपर तो बेस्ड थी, है ना? तो अब हमें माइनर ऑफ 1, 3 निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? 1, 2 माइनस 2, यहाँ पे है माइनस 1, 3, 0, 2, 5, 1। अब ये वाला हमारे पास एलिमेंट है M13 के लिए, तो A13 ये है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल। अब आपके पास ये बचा, क्या बचा आपके पास? 2 माइनस 2, 3 और 0। अब ये हो जाएगा 0 माइनस में माइनस 6 यानी कि प्लस 6। ठीक है, तब ये जो प्लस 6 आया है ये क्या है? ये है आपका माइनर ऑफ 1, 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने आपको तीन जो माइनर है वो निकाल के दिखा दिए हैं हमारी रो नंबर 1 के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनर किस तरीके से निकालने हैं, क्योंकि हमारे इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने यही किया था। तो कैलकुलेशन अब आपने खुद करनी है, बाकी के एलिमेंट्स के मैं माइनर यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको भी करना पड़ेगा ना सॉल्व कि कैसे करना है सॉल्व, तभी तो आपको पता चलेगा किस तरीके से सॉल्व होता है, आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव होंगी, है ना? इसलिए बाकी आपको खुद सॉल्व करनी है। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देती हूँ, आप क्रॉस चेक कर लेना आपकी वैल्यू सही है या सही आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो M21 की वैल्यू आएगी -1, M22 की वैल्यू आएगी 5, फिर M23 की आपके पास वैल्यू आएगी -2, M31 की आपके पास वैल्यू आएगी जी -11, M32 की वैल्यू आएगी 1 और आपके पास M33 की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब आपके पास ये सब क्या आ गया? आपके पास माइनर आ गया। अब हमें फाइंड क्या करने हैं? कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो जो कोफैक्टर होता है ऑफ ए आई जे क्या है? एलिमेंट्स हैं। कैसे निकालते हो इसको? आप इसको निकालते हो, सबसे पहले तो इसको कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, जहाँ पे i क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड j है हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स, इंटू में माइनर ऑफ आई जे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये तो हमारे भाई क्या हो गया? को फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे को फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, वो मैं डायरेक्टली फाइंड कर दूंगी क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देख लो आप सीधा क्या कर सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा देख लो एडिशन क्या आ रहा है हमारे पास। 1 + 1 2 आ रहा है, इवन आ रहा है यानी कि क्या हो जाएगा? -1 का +1 हो जाएगा, तो +1 इंटू में -1 यानी -1। देन A12 की वैल्यू कितनी आएगी? ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करेगा 1 2 से, तो हमारे पास 1 2, एक मिनट, ये मैंने 2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमारा। एक मिनट, मैं यहाँ पे सबसे पहले M11 भी लिख देती हूँ। M11 हमारा 3 है, M21 हमारे पास 12 आया और हमारे पास यहाँ पे M13 कितना है? 6 है, वो ऊपर लिखा हुआ था इसलिए मैं डायरेक्ट इससे गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, M11 से करना है यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास पॉजिटिव 3 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे A12 की वैल्यू, ये फैल गया ना यहाँ पे, कोई बात नहीं। A12 की वैल्यू कितनी आएगी? अब यहाँ पे देखो ये क्यूब हो जाएगा, माइनस रहेगा यानी -1 इंटू में 12 हो जाएगा, माइनस में 12। उसके बाद A13 की आपके पास वैल्यू आएगी 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? A21 फाइंड करेंगे, तो A जो 21 है वो कितना है अपने पास? 3 हो जाएगा यानी कि -1 इंटू में -1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1। ठीक है, इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज लिख देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद आपके पास A22 की वैल्यू आएगी 5, A23 की वैल्यू आ जाएगी 2, A31 की आपके पास वैल्यू आएगी -11, A32 की वैल्यू कितनी आएगी? -1, और A33 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 3 + 3 6 हो जाएगा यानी इवन है, और हमारे पास M33 कितना है? 5 है, तो ये कितना रहेगा? पॉजिटिव 5। ठीक है, अब ये आपके पास कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको क्या करते हैं? एज अ हमारे पास मैट्रिक्स लिखते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करके हम यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं फिर। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स ए लिख दिया है। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स ए लिखा है ना, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स कितने हैं, ये मैंने किस फॉर्म में लिखा है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ए है वो मैंने कैसे लिखा है? मैंने क्या लिखा है? कैपिटल ए लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये सारे के सारे क्या है? कोफैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे मैंने कोफैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये जो आपके पास कोफैक्टर्स हैं इनको हम कर देंगे ट्रांसपोज, यानी कि
ये जो पहली रो है इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, तो ऐसा करने के लिए क्या बन जाएगा, देखो A11, A12, A13, और ये क्या हो जाएगा, देखो आपके पास ये हो जाएगा A21, A22, A23, यहाँ पे हो जाएगा A31, A32 और A33। समझ आया आपने कि हमने क्या किया, हमने और जो रो है उसको और कॉलम जो है उसको एक्सचेंज कर दिया, क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 - 12 6, 1 - 5 2, -11 -1 और 5, ये आपके पास क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है।